नमस्कार सर, स्वागत है आपका लखनऊ प्रॉपर्टी वाले के ऑफिस में। सर जानते हैं हम कि आप बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, लेकिन मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने मनी मैनेजमेंट में, मनी मेकिंग में भी उतने ही स्मार्ट हैं जितना स्मार्ट आप अपने आपको प्रेजेंट करते हैं? क्या आपको छोटे छोटे तरीके पता है कि कैसे और किस जगह अपना पैसा लगा के उसको जल्दी से ग्रो कर पाए, अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर कर पाए, सारी चीजें आपकी बेहतर होने लगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ के आने लगे, आपकी चीजों पर रिटर्न आपको अच्छा मिलने लगे? तो अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। हम प्रॉपर्टी वाले, हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट देते हैं जैसा आपने कभी उम्मीद ना की। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा सर, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 4% का अप्रिसिएशन मिलता है, वो भी ईयरली। फिक्स डिपॉजिट में करते हैं 6.25 का मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में करेंगे 7.25 का मिलेगा, पीपीएफ में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे तो आपको 8-8.5% के आसपास का मिलेगा, पॉलिसीज में करेंगे तो आपको 5-15% के आसपास मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, इक्विटी शेयर्स में करेंगे तो आपको मैक्सिमम 20% तक मिलेगा। लेकिन अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आपको हर ईयर कम से कम 15-18% मिलता है 5 साल के पीरियड पर। 5 साल के पीरियड जो आपका पीरियड इंक्रीज होता है, समय इंक्रीज होता है, 10 साल के बाद आपको 40-50% का मिलता है, जो आपका समय और थोड़ा इंक्रीज होता है, और 5 साल बाद आपको 60-75% मिलता है, 20 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है, आपको 100% तक का अप्रिसिएशन मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी में। तो पैसा लगाने से पहले, किसी भी बॉन्ड को भरने से पहले एक बार सोचे और समझे कि कौन सा वो तरीका है जिसमें आप अपना पैसा लगा के ज्यादा तेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा तेज आप ग्रो कर सकते हैं और आपका पैसा सही जगह। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी वाला। इस टॉपिक की और भी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से अपडेट होती रहें। शुक्रिया।